सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे भगवान श्री राम के 10 अवतार के बारे में। पहला अवतार है मत्स्य अवतार। इसमें भगवान श्री राम या भगवान श्री विष्णु ने मत्स्य यानी मछली का अवतार लेकर राक्षसों का अंत किया था। दूसरा अवतार है कूर्म अवतार। तीसरा अवतार है वराह अवतार। चौथा अवतार है नरसिंह अवतार। पांचवा अवतार है वामन अवतार। छठा अवतार है भगवान श्री परशुराम का। सातवां अवतार भगवान श्री राम हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान श्री राम, जिनकी वर्तमान में 500 सालों के संघर्ष के बाद मंदिर निर्माण हो रहा है और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की जाएगी। इस मंदिर में ये हमारे हिंदुओं की आस्था श्रद्धा और भक्ति से जुड़ा हुआ मंदिर रहेगा। आठवां अवतार है भगवान श्री कृष्ण का अवतार। नवा अवतार है बुद्ध अवतार और दसवां अवतार है कल के अवतार, जो कलयुग में भगवान श्री विष्णु फिर से अवतार लेंगे और राक्षसों या मनुष्यों का अंत करेंगे। इसी में भगवान श्री राम की मूर्ति में सबसे ऊपर स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा और भगवान सूर्य को स्थापित किए गए हैं और इसी तरफ कमल और श्री हनुमान जी, जो सदैव उनके चरणों में ही भक्ति करते रहते हैं, उनको स्थापित किया गया है। दूसरी तरफ भगवान श्री गरुड़, जो भगवान श्री विष्णु के वाहन हैं, उनकी स्थापना की गई है। मूर्ति का वजन करीब 200 किलो के आसपास है। मूर्ति ऊंची 4.24 फीट और चौड़ाई 3 फीट है। यह मूर्ति भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को स्थापित की जाएगी। जय श्री राम। जय श्री राम।